आज के दिन 23 सितंबर को बाबा साहब जूते खाकर, डंडे खाकर, गाली खाकर, धक्के खाकर, बेइज्जती खाकर और कमेटी बाग में खूब दहाड़ दहाड़ के रोकर, सुबह सुबह के रोके और पूरी स्थिति को समझते हुए रात के 9 बजे 26 साल का वो यंग डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिसका सोच अभी डेवलप होना था, वो उस रेल में बैठ गए और सारी दुनिया भर की जो नेगेटिव एनर्जी जो उनको दुनिया ने, जमाने ने दी, इतने पढ़े लिखे, इतने बढ़िया आदमी को, इतने अच्छे लड़के को, इतने अच्छे जानकार को, जो कबीर का जानने वाला था, जो कबीर से सीखता था, जिसका कबीर एक प्रेरणा स्रोत था, तो वो जब ट्रेन में वापस हुए तो उनकी घर वापसी हुई और घर वापसी में जाते समय उन्होंने अपने ऋण को मुक्त करा लिया। जो बड़ौदा के महाराज थे उनसे रिक्वेस्ट कर कर के, महाराज मैं अब आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, 10 साल आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो मुझे कोई नौकरी नहीं करने देता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे ऋण मुक्त कर दें। जो आपने 3 साल तक लगातार मुझे 15 पाउंड महीने के दिए हैं, उससे मुझे माफ कर दें। सियाजी जो बड़ौदा के महाराज थे बहुत ज्यादा समझदार थे, जानकार थे, परिस्थिति जानते थे, उन्होंने ऋण मुक्त कर दिया। बाबा साहब ऋण मुक्त होके मन से फ्री हो गए, क्योंकि अब महाराजा का ऋण नहीं था, माफी मांग ली, माफ हो गया। तो हमारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। कैसे कैसे भाषण देते हैं जरा ध्यान से सुनना, आपने बड़े सुने होंगे। बाबा साहब का हम पर ऋण है, बाबा साहब का हम पे कर्ज है, अगर हम अपने खाल की जूती बनाकर भी बाबा साहब के पैरों में पड़ाए तो भी ये ऋण नहीं उतर सकता। अगर हम अपना ऐसा भी करते हैं, घर मकान बेच दें और सब कुछ भी अगर हम छोड़ दें तो भी बाबा साहब का ऋण नहीं उतर सकता। और भाई ऋण उतारने के ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि हम तो उनके जीवन भर ऋणी रहेंगे, ये कर्ज जीवन भर नहीं उतर सकता, हमारी औलाद भी इस ऋण को नहीं उतार सकती। इतना खूबसूरत बहाना, इतना इमोशनल बहाना, ऐसे ऐसे बहाने गढ़ते हैं लोग के ऋण नहीं उतर सकता। अरे भाई ऋण उतारोगे तो उतरेगा ना। बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम ऋण मत उतारना? बाबा साहब ने कहा कब कहा था कि ऋण लेके बैठे रहना? जब बाबा साहब का ऋण है तो उसे उतार के जाओ ना मरने से पहले। तो बाबा साहब का काम करोगे तो बाबा साहब का ऋण उतरेगा ना। तो ये बहाना क्यों बनाते हो कि हम तो पूरे जीवन में नहीं उतार सकते? कोशिश तो करो, इसी जीवन में उतर जाएगा, थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ, अभी उतर जाएगा। ये जितने लोग बाबा साहब का काम कर रहे हैं सच्चे मन से और उनकी बात पूरी तरह से मान रहे हैं, ये उनका ऋण उतार रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस जीवन में ऋण को उतार के जाते हैं और मुक्त होके जाते हैं कि बाबा साहब हमने आपका ऋण उतारा है, पूरे मन से उतारा है, पूरे वचन से उतारा है, पूरे कम से उतारा है, तन मन धन से उतारा है, और हम दिन रात लगे रहे हैं, हम आपका ऋण लेके नहीं जा रहे हैं। वो लोग निकम्मे होंगे, वो लोग बेकार होंगे, वो लोग ऋणी होंगे जो बाबा साहब का काम नहीं करते होंगे। तो जब हम मरेंगे और हमारे जैसे लोग मरेंगे और जो ऋण उतार के जाते हैं तो उनको बड़ी शांति होगी, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव होता है जीवन में, अगर उसमें मन में उथल पुथल रहे तो वो आदमी बेचैन रहता है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उस पर अपने महापुरुषों का ऋण होता है। तो ऋण उतारना चाहिए। तो ऋण उतारने के लिए बुद्ध जैसे लोग अपनी माँ को मरने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने देखा जाना तो उनका ऋण उतारा, माँ बाप को विपस्सना सिखाई उनका ऋण उतारा, अपनी पत्नी को विपस्सना सिखाई उसका ऋण उतारा, अपने बेटे का ऋण उतारा, उन्होंने सारे ऋण जीवन में उतार दिए, सबको दिखा दे के, सबको दीक्षा दे के, सबको विपस्सना सिखा के, सबको धम्म सिखा के, और सभी का उतारा। जब एक बुद्ध जैसा व्यक्ति अपना ऋण जीवन में उतार सकता है तो आप तो साधारण व्यक्ति हो, आपको क्या दिक्कत आई है? जो बाबा साहब ने कहा है, आपसे क्या कहा है बाबा साहब ने कि आपको समाज को जगाना है, इकट्ठा करना है, शिक्षित करना है और संघर्ष करना है, बस इतना ही तो काम बताया है। और कौन सा आपसे आपकी जान मांग ली है, और कौन से आपका घर मांग लिया है, और कौन से आपके पैसे मांग लिए हैं, और कौन सा आपसे ये कह दिया है कि अब आप बर्बाद हो जाओगे? तो ऋण उतारो भाई, बहाना मत करो। जब मंच पे कोई आदमी ये बोले कि बाबा साहब हम तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकते, हमने आपका ऋणी बना दिया, तो उसको वही गलेवान खींच के बोलना चाहिए कि तू ऋण उतार, तू बाबा साहब का ऋण लेके मत जा, या फिर इसको बोलना बंद कर। क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि जो कारमा मैं छोड़ के जा रहा हूं वो आगे बढ़ाना है, इसी को तो ऋण उतारना बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं कि कर्ज उतारना बाबा साहब का। और कौन सा कर्ज है? कौन सा बाबा साहब के खाते में पैसे जमा करने जा रहे हो? कौन सा बाबा साहब के लिए हवेली खरीदने जा रहे हो? तो चले गए। तो ऋण उतार के हमको मरना चाहिए, और जो ऋण उतार के नहीं मर रहे हैं उनको कहना चाहिए, ये भी एक काम है बाबा साहब का।
क्योंकि जगाने का मतलब खाली ये नहीं होता कि हमने किसी से कह दिया कि बाबा साहब का काम है और वो नहीं कर रहा है तो हम उसको कुछ नहीं कहते। हमको बार बार कहना चाहिए, बार बार ऐसे निकम्मे लोगों को बोलना चाहिए कि तुम भैया बाबा साहब की रोटी खाए हो तो उसका ऋण उतारो, और यही उतारो, ये बहाना मत बनाओ। क्योंकि बाबा साहब अगर आज हम सबको इस लायक नहीं बनाते कि हम उनका ऋण उतार सकते हैं तो हम जानवर ही होते, हम ऋण उतारने की स्थिति में भी नहीं होते। इसलिए अगर आपने बाबा साहब का ऋण उतार दिया है तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छा अंत आपका रहेगा और आपके बच्चे जीवन में सुखी रहेंगे, क्योंकि आपने कोई ऋण लेके नहीं जा रहे हैं। किसी का 10,000 रुपया ले लिया आपने और वो उधार ले लिया और वो पड़ा रहा तो मरते समय दिक्कत आती है, आंखें नीची रहती हैं जब भी वो मिलता है। आपके बच्चों की आंखें नीची रहेंगी कि 10,000 रुपये लेके मर गया, बाद में लोग कहेंगे इसका जो बाप था वो पैसे लेके भाग जाता था। तो 10,000 रुपये किसी का लेके नहीं भागते, उसका ऋण उतारते हो, उसका ब्याज से भी पैसा देते हो या बिना ब्याज का देते हो, तो ये जो पूरा जीवन मिला है जिसमें, इसका ऋण नहीं उतारोगे क्या? तो इसका ऋण उतारने के लिए काम करना है तो अच्छे मन से काम करना है, तो समझदारी से काम करना है। तो बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहना है तो संगठन नहीं बनाना है। जो लोग संगठन बना बना के बैठे हुए हैं वो ऋण नहीं उतार रहे हैं, वो तो और ऋण चढ़ा रहे हैं ऊपर से, और चढ़ा रहे हैं, और ज्यादा बाबा साहब को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग संगठन बनाने से, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो लड़कों के दलबल हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, वो सारे के सारे बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं करते, बल्कि ऋण को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के सिद्धांत के उलट काम हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि पूरे समाज को, समण समाज को, पूरे प्रबुद्ध समाज को एक साथ इकट्ठा करना है, उसका पूरा इंतजाम करके गए, मगर हमारे लोगों ने तो बाबा साहब का सिर्फ फोटो लगा लिया और बाबा साहब की बात को कह दिया कि बाबा साहब ये जो हमने जय भीम का नारा है ये हमारा पूरा मिशन है और हम इसको लेके चलेंगे, मगर इकट्ठे नहीं हुए और ना इकट्ठे होने की उन्होंने कभी बात की और ना इकट्ठे होने के लिए उन्होंने कोई काम किया। और कभी उनसे कहो कि बाबा साहब का क्या काम कर रहे हो तो बड़े जोर जोर से कहते हैं कि देखो हमने वहां टेंट लगाया, हमने वहां मेले में ऐसा किया, हमारा संगठन ये कर रहा है। और सबसे ज्यादा कहते हैं हमें उस संगठन का प्रधान हूं और मैं उस संगठन सचिव हूं, और किसी दूसरे संगठन का नाम ले दो तो कहते हैं वो तो संगठन बकवास है, वो तो बेकार है, जबकि वो भी बाबा साहब का फोटो लगा के घूमता है। तो जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं मगर बात नहीं मान रहे हैं। भाई जब आपका बाप एक है, जब आपका परदादा एक है, जब आपकी माँ एक है, जब आपका मिशन एक है, जब आपका विचार एक है, जब आपकी समस्या एक है, जब उसका समाधान एक है, तो आप अलग अलग होके कौन सा काम कर रहे हो जिससे ये सारा पूरा हो जाएगा? ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और सोचने से भी ज्यादा लोगों से पूछना चाहिए, और इसको खुलेआम ये कहना चाहिए कि भाई आपको इकट्ठे होना है तो लोग क्यों नहीं कहते कि इकट्ठा होना है, उसका कारण क्या है? कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई किसी का दोस्त होता है, कोई किसी के काम आने वाला होता है, कोई बड़ी पोस्ट पे होता है, कोई छोटी पे होता है, और कहीं कुछ ना हो तो लोग ये सोचते हैं अरे भाड़ में जाए, हमें क्या बिगड़ना है, हम क्यों बुराई मोल लें, हमें क्या फायदा, हम क्यों इसके बुरे बने, हम क्यों इसको कहें कि इसने जात का संगठन बना रखा है, हम क्यों इसको कहें कि इसका अलग अलग संगठन है। जानते हम हैं मगर हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम बुरा नहीं बनना चाहते। तो भाई अगर आप बुरा नहीं बनना चाहते तो आप मरने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि अगर आप कहोगे नहीं तो जो अलग अलग संगठन है, जो 29 लाख संगठन है, वो तो ये मांग चलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम मर जाएं, हम सारे मरें और मरते हुए उनके पास जाएं और फिर कहें तुम हमारे नेता हो भैया हमको बचा लो, तो वो फिर भी नहीं बचा पाएंगे अगर हम उनके पास चले भी जाएं। क्योंकि आप किसके पास जाओगे? आप एक के पास तो जाओगे नहीं, जो आपका रिश्तेदार है उसके पास जाओगे, जो आपका जाति वाला संगठन है उसके पास जाओगे, जो आपका स्टेट वाला संगठन है उसके पास जाओगे, जो आपका भाषा वाला संगठन है उसके पास जाओगे, जो आपका धर्म वाला गुरु है उसका उसके पास जाओगे, जो आपके लड़कों का दलबल है जानकार है उसके पास जाओगे, जो सरकारी कर्मचारी में आपका जान पहचान का उसके पास जाओगे, जो राजनीतिक पार्टी में आप जहां से लगते हो या आपके पिताजी है वहां जाओगे, तो जाओगे तो अलग अलग ना। जब अलग अलग जाओगे तो जीतोगे क्या? आपकी तो हार पहले दिन से ही तय है, आपको तो मरना ही है, जो हारता है वो मरता है। इसीलिए हम 70 साल से लगातार हारते आ रहे हैं, और किनके कारण हारते आ रहे हैं? जो हमें जागृति दे रहे हैं, जो हमें जन जागृति दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आओ हम तुमको जागृत करेंगे, आओ हम तुम्हें जागृति देंगे, उनके कारण हार रहे हैं। तो अगर उनसे ये बात कहो तो उनकी बड़ी बुरी लगती है, अरे हमारी राजनीतिक पार्टी को ऐसा कहते हो विदा पीपल में, हमारे संगठन को ऐसा कहते हो विदा पीपल में, हमारे सामाजिक संगठन को ऐसा कहते हो विदा पीपल में, अरे हम वहां के प्रेसिडेंट है हमको ऐसा कह दिया,
हमने वहां इतना पैसा दिया, हम कुछ है ही नहीं क्या, हमने इतने साल से वहां काम किया, वहां कुछ है नहीं है। अरे भाई आप बहुत कुछ हो, आप समाज को तोड़ने में पूरा योगदान दे रहे हो, इसमें हम मानते हैं आपकी कि आपकी पूरी भूमिका है, और आपको अगर नजर नहीं आ रही है तो आप इस बात से देख लो कि आप जो बने थे, आपने जो प्रधानी ली है, आप जो जनरल सेक्रेटरी बने हो, आप जो कार्यकर्ता बने हो, आपने जो अलग मठ बनाए हैं वो किस उद्देश्य से बनाए हैं? आपने समाज के सुख के लिए बनाए, समाज के अधिकारों के लिए बनाए, और समाज के अधिकार तो चले गए, समाज का सुख तो चला गया, समाज के तो बेरोजगार हो गया, समाज का तो सारा काम चला गया। तो आपके संगठन बनाने से आप बताओ, आपके पदाधिकारी बनने से आप बताओ कि नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो फिर हमारे जैसे लोगों को या विदा पीपल में जो लोग आ रहे हैं और समझ रहे हैं, उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या चुप पड़े रहें और चुप पड़े पड़े मर जाएं इस अफसोस के साथ कि अगर हमने समय पे कह दिया होता तो शायद ये इकट्ठे हो गए होते? तो एक प्रयास करना चाहिए, एक बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से अगर ऋण के मुक्त होना है तो ये काम उसमें आता है कि हमको सही जन जागृति करनी चाहिए। और सही जन जागृति ये है, जिसका समाज इकट्ठा होता है वो दबंग होता है। सही जन जागृति यह है कि जिसका समाज इकट्ठा होता है वो कभी गरीब नहीं होता। सही जन जागृति यह है कि जो समाज में एक साथ मिलकर बैठते हैं, रोटी खाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उन पे कोई अत्याचार नहीं होता, बल्कि वो अत्याचार करते हैं। ये नियम है प्रकृति का कि इकट्ठे होंगे तो ताकत बनेगी, और ताकत बनेगी तो आप उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो अत्याचार कर लो, चाहो तो अपना फायदा कर लो, क्योंकि हमारे लोग अत्याचार नहीं करते तो अपना फायदा तो कर सकते हैं। तो और भी कुछ नहीं है तो पुराने समय में सीख लो कि इसका फायदा हुआ नहीं हुआ। देखो बुद्ध से पहले स्थिति खराब थी, लोग व्यभिचारी थे सारे के सारे, ऐसा कोई जाति वाति का आतंक तो था नहीं क्योंकि जाति थी नहीं, और ऐसा कोई ब्राह्मण का भी कोई आतंक नहीं था क्योंकि वो याचक था और वो गरीब याचक था, मगर एक बुराइयों का आतंक था जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, और वो बुराइयां हमारी शराब की, हमारी नशे की, हमारी अत्याचार की, हमारी व्यभिचार की, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम परेशान थे। बुद्ध ने ये दूर किया और एक क्रांति हुई, और जिस क्रांति का फायदा हमें लगभग 1516 साल तक मिला। उसके बाद जातियां बनाई, उसके बाद क्रिएट की, और हमको अलग अलग तोड़ दिया, हमारे संघ को तोड़ दिया, तो हमारा सब कुछ चला गया, हमारी एजुकेशन चली गई, हमारा पैसा चला गया, हमारी जमीन चली गई, हमारा देश चला गया, हमारे सिद्धांत चले गए, हमारी जो मॉरल एजुकेशन थी वो चली गई, हमारी अच्छी शिक्षा चली गई, हमारे बच्चों में जो एक संस्कार आना चाहिए था वो चला गया, हमारी भाषा चली गई, हमारे शब्द चले गए, हमारी किताब चली गई, सब चला गया हमारा। मगर बाबा साहब ने जैसे ही फिर दोबारा से संघ बना के हमको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने का मंत्र देके गए, तो धीरे धीरे ये हमारे पास सब आने लगी, हमारी एजुकेशन हमारे पास आ गई, कुछ हमारे पास घर आ गए, कुछ जमीन आ गई, कुछ पैसा आ गया, कुछ चीजें अभी आना ही शुरू हुई थी, तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये बाबा साहब ने इकट्ठे कर दिए हैं। ये पहले हमने 6743 जातियों में तोड़े थे, बाबा साहब ने बड़ी चतुराई से इनको तीन हिस्सों में जोड़ दिया, एक का नाम एससी रख दिया, एक का एसटी रख दिया, एक का ओबीसी रख दिया। ये इकट्ठे हुए तो इनको नौकरी मिल गई, इनको पैसा मिल गया, ये व्यापार करने लगे, ये बिजनेस करने लगे, ये पढ़ गए, ये लिख गए, इनके मुंह खुल गए, ये बात करने लगे, और ये मुख्यमंत्री भी बन गए और प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए, और ये प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे अगर इनका इलाज नहीं हुआ। तो क्या इलाज करना है भाई? इलाज ये करना है कि एक तो इनको जातियां खोल के इनके हाथ में पकड़ा दो। तो उन लोगों ने जातियां खोल के हमारे हाथ में पकड़ा दी, कुछ हमारे जो बेवकूफ लोग थे उन्होंने जातियों के झंडे उठा लिए और वो जाति के संगठन बना के घूमने लगे बाबा साहब के बिल्कुल अगेंस्ट में। बाबा साहब ने कभी जिंदगी में जाति का काम नहीं किया, जाति का संगठन नहीं बनाया, इन मूर्खों ने जाति के संगठन बना दिए। दूसरा काम ये किया कि उन्होंने जितने भी शौक थे नवाबी सारे शराब के, कबाब के, इसके उसके वो बढ़ा दिए। चार पैसे के आए कि सबसे पहले दारू की बोतल घर में आ गई और उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, और ऊपर से ये कि सरकारों ने भी घर के आगे ठेके खोल दिए और किसी ने उसको मना नहीं किया। औरतों ने मना किया तो औरतों की पिटाई कर दी, एक नुकसान ये हो गया। फिर उन्होंने पढ़ाई महंगी कर दी क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब ने मूल मंत्र बताया है कि पढ़ना जरूर है, चाहे घर बिक जाए, चाहे खाल बिक जाए, चाहे चमड़ा बिक जाए, चाहे बाल बिक जाए, पढ़ना जरूर है, और ये अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, और जो एक बार पढ़ जाता है वो पढ़ाता ही रहता है चाहे कुछ हो जाए। तो इनके पढ़ने का इतना महंगा कर दो कि ये पढ़ा ही ना पाए, जब ये पढ़ा नहीं पाएंगे तो ये कहां से डिग्री लाएंगे और कहां से लेंगे, तो इनके मनोबल टूट जाएंगे। और जो पढ़ गए हैं उनका इलाज करो, उनका इलाज ये है कि इनको नौकरी मत दो क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, ना इनके पास में जमीन है, ना जायदाद है, ना इनके पास में दुकान है, ना बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है, ना ये विदेश जा सकते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट हुए नहीं, अगर बुद्धिस्ट होते तो ये बुद्धिस्ट कंट्रियों में चले जाते। तो एक काम करो कि इनका सिर्फ सरकारी नौकरी में इनसे दो रोटी मिलती है, सरकारी नौकरी बंद कर दो। तो सरकारी नौकरी सीधे बंद नहीं हो सकती क्योंकि आरक्षण के विरोध में बहुत सारी चीजें उठी हुई हैं, तो हल्ला मच जाता है कि आरक्षण विरोध, आरक्षण का संघर्ष करना है, तो आरक्षण को ऐसे खत्म नहीं करना भाई। आरक्षण को खत्म करने का सीधा प्रावधान ये है कि आरक्षण तो हम देंगे मगर लोगे कहां। अब ये ठीक ऐसे है कि जैसे भाई हम आपको सरसों का तेल तो देंगे
मगर लोगे काहे में, आपके पास तो कपड़ा है, कपड़े में ले जाओ, कपड़े में क्या करोगे, सरसों का तेल सारा कपड़ा आपका खराब हो जाएगा, वो तो कुछ काम का है नहीं। तो उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट ही बेच दिए, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए और सब ठेकेदारी प्रथा कर दी, और जहां नौकरी 60,000 की और 80,000 की थी, वहां 7,000 की और 10,000 की 15,000 की रह गई और बाकी ठेकेदार बीच में खा जा रहे। तो वो चक्कर भी खत्म हो गया। तो एजुकेशन लोगे नहीं, जिन्होंने एजुकेशन ली है वो बच्चे करेंगे क्या? क्योंकि जो बच्चा पढ़ गया, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई एमए है, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, ना उनको यूनिवर्सिटी में जगह है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटियां खोलनी बंद कर दी कि यूनिवर्सिटियां खुलेंगी नहीं तो नौकरी आएंगी कहां से, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर दी, तो प्राइवेट भी होगी एजुकेशन, स्कूल प्राइवेट हो गए। तो अब जात देख के नौकरी मिलेगी और जात देख के आपको तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आपकी कोई कहीं कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपने बनाया हो या हमने बनाया हो या कभी हमारे लोगों ने सोचा हो। वो तो मस्ती में अपना रहे, दारू की बोतल रह के अपना काम करते रहे। और जो कुछ लोग जिन्होंने मेहनत की और जो लोग वास्तव में समाज के लिए काम करते हैं, उनकी संख्या बड़ी कम रही और वो भी आपस में हजारों टुकड़ों में बटे रहे। ये ऊपर से और मुसीबत हो गई, एक तो कोड़ ऊपर से खाज हो गया। इस सारी स्थिति की समस्या और इस सारी स्थिति को देखते हुए हमारा पतन और हमारा जो बिल्कुल वंशवाद खत्म होना है, जो अस्तित्व खत्म होना है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा 30 साल, बस 30 साल में किसी ने अगर बहुत अच्छा मकान है तो वो भी बिक जाएगा और कोड़ियों के दाम बिकेगा, और किसी की कोई जमीन जाए तो वो भी बिक जाएगी, क्योंकि हर चीज डब्बे बंद होके आ रही है। डब्बे बंद होके आएगी, 2 रुपए का जो सामान है वो 20 रुपए में मिलेगा। ये सारी समस्याएं आने वाली हैं और जो चल रही है बहुत तेजी से। जो लोग हमारे अच्छी जिंदगी जीते हैं उनकी आमदनी कम हो जाएगी, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ये समस्याएं बहुत विकट आने वाली है, और कोई ये सोचे कि वो कहीं डग्गे मारी का 2-4 रुपया लेके समस्या को सॉल्व कर सकता, नहीं होगी। इसकी समस्या का समाधान सिर्फ एक है, आपका अनम्यूट कीजिए सुनील जी। और माइक हो गया जी। जब तक हमारे पास में जनसंख्या बल है तब तक हमें कोई घबराने की बात नहीं है, मगर ये जनसंख्या बल अगर टुकड़ों में और 29 लाख संगठनों में बटा हुआ है तो हमें घबराने की बात है। तो हमारे पास कुल मिला के एक सोल्यूशन है बस, और कोई समाधान नहीं है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, और बिना किसी बात के इकट्ठा होना चाहिए, बिना किसी सोच के इकट्ठा होना चाहिए, बस इकट्ठा होना है। इकट्ठे होते ही बच जाएंगे, तो बड़े सारे जो चतुर खिलाड़ी हैं, जो बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, जो बहुत ज्यादा विद्वान हैं, वो कहते हैं जी इकट्ठा होके करोगे क्या। मतलब 2 प्रश्न हमारे पास हमेशा आते हैं, जब भी आप फील्ड में जाओगे विदा पीपल के, तो आपसे 2 प्रश्न हमेशा पूछेंगे, भाई आप इकट्ठे होके करोगे क्या और आपका नेता कौन है। अरे मूर्खो, इकट्ठे होके क्या करेंगे अगर ये समझ में नहीं आता है, तो घर में इकट्ठे क्यों रहते हो? ये जो जिस भी संगठन में रहते हो वो तुम्हें क्यों इकट्ठा करता है? जहां भी जाते हो वहां इकट्ठे होने की बात क्यों होती है? ये बुजुर्गों ने क्यों कहा है कि अगर इकट्ठे रहोगे तो बच जाओगे? ये जंगल में जानवर इकट्ठे रहते तो कैसे बच जाते हैं? ये मधुमक्खियां इकट्ठी रहती तो कैसे बच जाती हैं? ये मछली समुद्र में इकट्ठी रहती तो कैसे बच जाती हैं? और क्यों आपने कबीले बनाए, क्यों मोहल्ले बनाए और क्यों एक साथ रहते हो? ये प्रश्न उन मूर्खों से जब आप पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि आप अकलबंद हो, क्योंकि जो इकट्ठे रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और जो सुरक्षित रहते हैं वो जिंदा रहते हैं, और जो जिंदा रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। लाशें कभी आगे नहीं बढ़ती, मरे हुए लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, कमजोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, बीमार लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो ये अलग 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 जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो अलग अलग पोस्ट लेके बैठे हो, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इनसे फायदा होता तो 70 साल में हो चुका होता, इनसे तो घाटा ही हुआ है। जो कारवा बाबा साहब लेके आए थे वो तो चला गया पीछे। अब तो हमारी स्थिति वो आने वाली है कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू। बस 30 साल में आप अपने बच्चों के साथ में देख लोगे, आपके बच्चे जब काम पढ़ेंगे लिखेंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, काम का अधिकार नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाएंगे, और सरकार पेंशन नहीं देगी तो करोगे क्या? क्या चीज करोगे? कैसे काम चलाओगे? कौन सी जमीन है, कौन सी जायदाद है? इसलिए इकट्ठा होना ही हमारे पास है। देखो जाट को हरियाणा में जो जाट है उनको कुजात बोला जाता था, जाट जाट कुजात, मतलब उनको अच्छी जात नहीं माना जाता था। और वहां का जो एक जो सर छोटू राम है वो ऐसे ही कहता था कि भाई इकट्ठे हो जाओ बच जाओगे, इकट्ठे हो जाओ कामयाब हो जाओगे। और वो बहुत संख्या में थोड़े से हैं और सिर्फ नॉर्थ में ही हैं और कहीं है नहीं पूरे इंडिया में, और वो इकट्ठे हो गए। आज हालत ये है कि सरकार किसी की भी हो जाटों की चलती है, जाटों की उसमें बात होती, किसी की सरकार हो उनके काम होते हैं, और वो बड़े जमींदार हो गए, बड़े पैसे वाले हो गए, वो पढ़ने भी लगे और बड़े बड़े नौकरियों में भी आ गए, सिर्फ इकट्ठे हुए इसलिए हुए। ये जो सरदार हैं इनकी संख्या बहुत कम है, मगर ये इकट्ठे हुए तो 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे, और ये इकट्ठे हुए तो आज इनके सारे सिस्टम बहुत बड़े चलते हैं, इनके पास बड़ा पैसा है। सिर्फ इकट्ठे होने से 2 करोड़ हैं, हम तो फिर भी 110 करोड़ हैं।
अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए इकट्ठे होकर मिलेगी क्योंकि संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी संविधान में उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान तब तक है तब तक इकट्ठे होने का फायदा है। अगर संविधान खत्म हो गया इस देश से और कोई व्यवस्था गैर संवैधानिक आ गई, असंवैधानिक आ गई, राजतांत्रिक आ गई, तो फिर आप वोट किसको डालोगे, प्रतिनिधि क्या चुनोगे, क्या आप हिस्सा लोगे, कौन सा आपको बजट मिलेगा, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो आप चिल्लाते रहना जिसका वोट नहीं उसे कोई नहीं पूछेगा, कोई आपकी फरियाद नहीं पूछेगा। फिर आपको कहीं जैसे पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग थे कहीं अगर उनको चील कौए उड़ते हुए दिखाई दे जाए दूर से तो पूरे गांव वाले भागा करते थे। क्यों भागते थे कि देखो चील कौए उड़ रहे हैं तो वहां पे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होगा, और ये सत्य बात है बिल्कुल। और नहीं तो अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, तो पूरा गांव दौड़ता था इसलिए कि भाई चील कौए सारा मांस ना खा जाए तो हमारा क्या होगा। तो उस मरे हुए जानवर का मांस खाया करते थे, उसकी खाल निकाल के लाते थे, मरे हुए जानवर की मांस पर जिंदा रहे हमारे बुजुर्ग और हम। और ये बात बाबा साहब ने कहा था कि मरे का मांस खाना बंद कर दो। हमारे फादर, मेरे फादर ने खुद लोगों से मरे के मांस खाने के लिए बाबा साहब की अपनी के पास गांव में जा जाके, कीचड़ में जा जाके लोगों को कहा है कि मरे का मांस खाना बंद कर दो। तो मरे का मांस खाने के लिए तैयार हो जाओ अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हो। और अभी भी अगर तुमको अहम है और घमंड है अपनी पोजिशन का, अपनी स्थिति का, और तुम कहीं पदाधिकारी बने घूम रहे हो और तुम अलग अलग भैया सिस्टमों में चल रहे हो, तो अपने बच्चों को कह के जाना कि हमारे बुजुर्ग मरे का मांस खाते थे और मरे का मांस मिलेगा। हो सकता है मरे का मांस भी ना मिले इस बार, क्योंकि इस बार तो कंपनी आ गई है तो वो जिंदे जानवर को काट के पैक करके विदेश भेज देती है, तो जानवर मरेगा नहीं तो खाओगे भी क्या, तो भूखे मरने की नौबत आएगी। जैसे आज भारत में लाखों लोग भूखे मरते हैं वैसे मरने के लिए तैयार हो जाओ अगर इकट्ठे नहीं रहोगे तो। इसलिए वी द पीपल कहता है कि जिद है जुड़ने की और जिद है जिंदा रहने की। जिंदा रहने की जिद है, जिंदा रहेंगे तो बचेंगे और बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां पूरी दुनिया में जिंदे रहे हैं। जो लोग बिखर गए उनके कबीले खत्म हो गए वो लोग खत्म हो गए। आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लेना, मानव विज्ञान पढ़ लेना, उसमें हजारों कबीले हैं जो अलग अलग रहे और मर गए, और जो कबीले इकट्ठे हो गए वो सारे जिंदे रहे और सारे बचे हुए हैं। हम आज तक इसलिए जिंदा हैं कि बेशक हमारे बुजुर्ग बिल्कुल बेकार थे मगर उन्होंने एक मंत्र सिखाया कि परिवार में रहना, परिवार में रहना। तो परिवार हमारा बड़ा है, परिवार हमारा समण है। बुद्ध के समय समण शब्द था, समण समाज के लोग हैं हम, तो समण संघ में आना है। समण संघ में आएंगे तो हम जीतेंगे, तो बाबा साहब का ऋण मुक्त होगा, तो बाबा साहब का संकल्प पूरा होगा, तो बाबा साहब की बात को हम मानेंगे। इसलिए जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब जीतना है तब तब जुड़ना है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे और नहीं जुड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसलिए जुड़ो और जीतो, जुड़ो और जिंदा रहो। अगर आप जुड़ नहीं पाए तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, फिर आपको बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला, ना बाबा साहब आएंगे ना बुद्ध आएंगे। आपके बच्चे आपको बहुत दोष देंगे कि अगर हमारे माँ बाप जुड़ गए होते तो शायद आज हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते, शायद आज हम कहीं कुछ ना कुछ होते। इसलिए जुड़ना जरूरी है, जुड़ना बड़े काम नहीं होगा। जो लोग संगठनों में है वो संगठनों में जुड़ जाएं, और जो लोग नहीं जुड़ सकते वो वी द पीपल में जुड़ जाएं। धन्यवाद।